नमस्कार, अब दुनिया की फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। यूएस के टेक्सास में राहुल गांधी ने पीएम मोदी और आरएसएस पर बोला हमला, कहा भारत में पीएम मोदी से कोई नहीं डरता। आरएसएस का आइडिया है महिलाएं कम बोले और घर में रहे। गुजरात के सूरत के सैयदपुरा इलाके में कुछ नाबालिगों ने गणेश पूजा पांडाल पर किया पथराव। घटना से शहर में सांप्रदायिक तनाव का माहौल। पुलिस चार आरोपियों सहित कुल 33 लोगों को किया गिरफ्तार। घटना के बाद से इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन पलटाने की आई साजिश सामने। कानपुर में ट्रैक पर रखा था एलपीजी सिलेंडर। ट्रैक से गुजर रही कालिंदी एक्सप्रेस टकराई, बड़ा हादसा टला। पुलिस मामले की जांच में जुटी। बिहार में गुंडा राज जारी। बीजेपी नेता मुना शर्मा की गोली मारकर हत्या। दरअसल मुना शर्मा ने चैन लूटकर भागने वालों का विरोध किया था। इसी दौरान बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। अस्पताल ले जाने के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। चांद पर होने वाला है कमाल। भारत और चीन साथ करेंगे काम। दोनों देश मिलकर बनाएंगे न्यूक्लियर प्लांट। रोसेटोम की अगुवाई वाले इस पावर प्रोजेक्ट के तहत छोटा न्यूक्लियर प्लांट तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रणीति शिंदे के बारे में एक बार फिर से उड़ी अफवाह। सोशल मीडिया में अफवाह है कि दोनों शादी करने जा रहे हैं, हालांकि यह महज एक अफवाह है। जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की रिहाई को लेकर बवाल मचा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रविवार को शक्ति प्रदर्शन किया और अपने नेता की तत्काल रिहाई की मांग की। पश्चिम बंगाल में आरजीकर मामले को लेकर राज्यपाल ने सीएम ममता बनर्जी को जारी किया आदेश। बोस ने कहा तत्काल बुलाया इमरजेंसी कैबिनेट की बैठक। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल में हुई महिला डॉक्टर से रेप और हत्याकांड में बवाल मचा हुआ है। दिल्ली के मोती नगर इलाके में एक बाइक सवार के पास से मिले 499 जिंदा कारतूस। दिल्ली पुलिस ने बड़ी साजिश को किया नाकाम। पुलिस ने जैसे ही बाइक वाले को चेकिंग के लिए रोका तो वो मौके से बाइक छोड़कर फरार हो गया। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान 2 दिन की भारत यात्रा पर पहुंचे। आज पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। ये थी वेब दुनिया की ताजा बुलेटिन और ऐसे ही खास खबरों के लिए विजिट करें वेब दुनिया पर।